ये हमने तिब्बत से इंपोर्ट कराया है और ये इंडिया का एकलौता डीएनए सर्टिफाइड तिब्बतन मैस्टिफ है, जिसके पिछली 5 पीढ़ियों के डीएनए सर्टिफिकेट की फोटो कॉपियाँ हमारे पास है। अमेरिकन चीता के बारे में बहुत वीडियो बना चुका लोगों को इन्फॉर्मेशन जी सर, लेकिन इस पर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर अमेरिकन चीता मेरे पास भी है पिछले 13 साल से, मैं एक्चुअली चीता लवर हूँ, तो कुछ नया ऐड करने का था। तो ये जैपनीज चीता है एक्चुअली, चीता इनू कहते हैं इसे, इस पर मूवी भी बनी हुई है हैचिको, सभी ने देखी होगी। तो ये अभी रिसेंटली इम्पोर्ट करवाया जी हमने, थोड़ा करेगा लगा है। इसका क्या नाम है? चैंपियन नाम है सर। चैंपियन? हाँ जी। अच्छा नाम ही चैंपियन, नाम ही चैंपियन रख दिया जी। सत्या जी ये कौन सा कलर है सर? ये चॉकलेट कलर है सर। चॉकलेट में? हाँ जी। आप बताएंगे सर? बता दे कुछ वैसे ही एक ही बात बताएं, कोई भी बता दे आप पास में हो जाओगे मच बेटर। हाँ जी। ये इतना हाइपर क्यों है? ये बाहर नहीं आता ना इतना, इसलिए यहाँ आके पहली बार आया है। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। ये खड़ा हो गया बब्बर शेरगाय। ये ब्रीड कौन सी है, इसके रख रखाव साम संभाल के बारे में अगर आप और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आज हम आपको इस पूरी वीडियो में देंगे कि ये कितने प्यार करते हैं और कितने खतरनाक हैं, या इनको इतनी बड़ी ब्रीड को संभालना, इनके बालों को संभालना कितना बड़ा चैनल है। तो इनके ऑनर या टेक के गाइस, इनको हमने शायद लास्ट ईयर देहरादून में कवर किया था, राइट? या गाइस, ये है कह लो कि हरियाणा के किंग तिब्बतन मास्टिफ वाले। नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। घर परिवार कैसा है? सब ठीक है जी। आप सुना, थोड़ा इस बब्बर शेर के बारे में बताए, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी, ऑफिशियली नेम है इसका एंड्रयू। हाँ। जो KCI पेपरों में है, वैसे इसका ये हमने तिब्बत से इम्पोर्ट कराया है और ये इंडिया का एकलौता डीएनए सर्टिफाइड तिब्बतन मैस्टिफ है, जिसके पिछली 5 पीढ़ियों के डीएनए सर्टिफिकेट की फोटो कॉपियाँ हमारे पास है। वाओ। ये मतलब जो डीएनए सर्टिफिकेट का मकसद क्या है लाने का, आपको पता मेरे पास पहले भी तिब्बतन मैस्टिफ है। हाँ। मेरा फार्म ही तिब्बतन मैस्टिफ का। तो सर इसमें ये है कि इसके अंदर कोई दूसरी ब्रीड का ब्लड मिक्स नहीं है। 40,000 का टेस्ट हमने कराया था चाइना में, कुमिंग में इनकी लैब है, जैसे अपने इधर पे लुधियाने में गडासू यूनिवर्सिटी है, तो उधर पे टेस्ट करवाया था इसका। उसमें ये ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लेते हैं, बालों का सैंपल लेते हैं, फिर उसको सारी ब्रीड्स के साथ मैच करके देखते हैं कि इसके अंदर सेंट बर्नार्ड या दूसरी जो ब्रीड्स तिब्बतन मैस्टिफ के साथ मिक्स हुई है उनका ब्लड तो नहीं है। तो वो सारा क्लियर करने के बाद उसको फिर सर्टिफिकेट मिलता है कि ये प्योर ब्रीड तिब्बतन मैस्टिफ है और ये इंडिया का पहला डॉग है। पहला है। ग्रेट। तो थोड़ा बताइए सर, इस ब्रीड को अगर हम तिब्बत से इम्पोर्ट करवाया, हरियाणा में ठंडी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत है, कितना मुश्किल है यहाँ पर रख पाना हरियाणा के वेदर में? सर एक्चुअल मेरा कैनल है चंडीगढ़ में। ओके। तो ऑलमोस्ट सेम ही है चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब, अपना बराबर ही है, सेम है। तो देखिए सर, आपको एक क्लियरली बात बता दूं, जो ओरिजिनल ब्रीड है वो हाथ से हाथ कंडीशन में रहती है, इनको ठंड तो जितनी चाहिए ये गर्मी में भी सर्वाइव करती है। और आप मेरे कैनल पे विजिट कीजिए, कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई पंखा नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकती है। जो हाइब्रिड्स कुत्ते हैं जिनके लिप्स वगैरह आप देखेंगे इतने लटके हुए हैं, पूरे राल राल हुए होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है गर्मी में रहने की। इसके खान पान के ऊपर आप कितना देसी और कितना फीड पर डिपेंड है, घर का खाना और बाहरों का कितना डिपेंड है? देखिए, जो पप्पी को तो हम फीड देते हैं क्योंकि उसको एक क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। तो जो घर का खाना उसमें कभी कैल्शियम ज़्यादा हो गया, मल्टीविटामिन ज़्यादा हो गया, एक वो फीड पे प्रॉपर सारा कुछ मिल जाता है। तो 10-12 मंथ तक हम पप्पी को फीड देते हैं, उसके बाद उसको हौली 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 होम फूड पे लिया। मैं दोनों चीज़ों का मिक्सर बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस ब्रीड को, जैसे मेरा एक और क्वेश्चन है,
कि जैसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं दिल्ली वाले या छोटे या जैसे कह लो चंडीगढ़ जिनके घर छोटे हैं, तो आप वहाँ क्या सजेस्ट करोगे कि छोटे घर में या फिजिकल एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे वो? सर देखिए डॉग कोई भी आप रख सकते हैं, सेंट बर्नार्ड भी रख सकते हैं, वो इनसे ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में। बस मेन क्या है, इनको मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में वॉक चाहिए 4 से 5 किलोमीटर की। वो अगर आप करा सकते हो तो आप कहीं तो छोटे घर में भी रखो। हाँ जी हाँ जी। और बालों के लिए कितना टफ चैलेंज है? सर डेली कॉम्ब करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा चाहे आप शोकल रखो चाहे घर के। और ब्रीड के बिहेवियर के बारे में बच्चों के प्रति बुजुर्गों के प्रति? अगर जो आप इसका ब्रीड का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AKC और KCI के FCI का, तो उसमें बताया गया है साफ साफ कि ये ब्रीड अपनी फैमिली और बच्चों के और स्पेशली लेडीज़ के लिए बिल्कुल लॉयल है, ये जल्दी से बच्चों और लेडीज़ को नहीं पड़ती है ब्रीड। ओके जी। तो आपके पास स्टड सर्विस पप्स अवेलेबल हैं अभी? हाँ जी इसके पप्स हैं मेरे पास अभी। तो आप प्लीज़ लोकेशन कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9888998806 और सर चंडीगढ़ के पास मोहाली में हमारा कैनल पड़ता है। क्या नाम है कैनल का जी? रुद्रा कैलाश। रुद्रा कैलाश। ये सर ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, आप वो मेंशन कर, आप ये भी दिखा सकते हैं। थैंक यू रुद्रा जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। थोड़ा बताइए क्योंकि मैं अमेरिकन अतीतक के बारे में बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन जी सर, लेकिन इस पर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर अमेरिकन अतीतक मेरे पास भी है पिछले 13 साल से, मैं एक्चुअली अतीतक लवर हूँ, तो कुछ नया ऐड करने का था, तो ये जैपनीज अतीतक है एक्चुअली, अतीतक इनू कहते हैं इसे, इस पर मूवी भी बनी हुई है चिको, सभी ने देखी होगी, तो ये अभी रिसेंटली इम्पोर्ट करवाया जी हमने। और आप इसके बिहेवियर में कितना फ़र्क है इसके और अमेरिकन? सर अमेरिकन अकीता बेसिकली जो है गार्ड ब्रीड है, देखिए वो बनाई गई ब्रीड है, ओरिजिन ये है, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब वो ब्रीड गई अमेरिका में, जैपनीज अकीता जब अमेरिका में गई तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग चाहिए था, तो उन्होंने मिक्स करके मास्टर ब्रीड से अमेरिकन अकीता बनाई है जी फिर। तो ये थोड़ा सा अटैच रहते हैं ओनर के साथ, फैमिली के साथ इमोशनल रहते हैं, अटैच कहूँगा तो इमोशनल रहते हैं वो, थोड़ा और उनका टेम्परामेंट कुछ और है, वो गार्ड डॉग है, वो भी एक अच्छी ब्रीड है गार्ड पर्पज से, ये भी एक अच्छी ब्रीड है। लेकिन आपको कहने का मतलब ये है कि बच्चों वाला घर है या बुजुर्गों, इस पर ज़्यादा वो विश्वास कर सकते हैं? सर दोनों भी कर सकते हैं, देखो घर के मेम्बर से लिए नहीं वो अग्रेसिव है, बाकी अपने बनाने पर होता है। लोग कहते हैं मेरे पास पिछले 13 साल से है जी अमेरिका ने कीता, तो हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे बच्चे छोटे हैं जी, तो हमारे घर में रहते हैं जी, दो अमेरिकन अकीता जैपनीज भी रहते हैं, कोई इशू नहीं आया कभी। हाँ लेकिन अगर बाहर से कोई आएगा तो ऑब्वियसली बात है डॉग का काम है गार्ड करना, तो वो तो करेगा ही जी। जो अगर कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है जी या फर्स्ट टाइम कोई डॉग लेना चाहे लड़का है या लड़की है जी, क्या आप अकीता कहोगे कि हाँ आप गो विद अकीता? सर उसके भी कई क्राइटेरिया हैं जी, स्पेस चाहिए प्रॉपर पहली चीज़, आपको एनर्जी बहुत होती है अकीता में, तो उसकी एनर्जी यूज़ होनी चाहिए प्रॉपर, तो अकीता ये कोई इशू नहीं है कि आप पहली बार में कौन सा डॉग ले रहे हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, उसे कैसा आप रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एनर्जी का मतलब है कि 2 टाइम वॉक लंबी एक्सरसाइज? जी जी एक्सरसाइज कह लो आप। वो कितना रिक्वायरमेंट करते हैं सुबह शाम? सर वो तो चाहिए ना, देखिए डॉग के लिए, इंसानों के लिए, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं तो लगे हैं सभी करने, तो डॉग्स के लिए तो कंपल्सरी है जी, इन्होंने कौन सा बोल के बताना है आपको। ये मेरे पास 6 हैं, 3 मेल 3 फीमेल जैपनीज अकीता, ये सभी इम्पोर्ट है, जो अमेरिका ने कीता है वो मेरे पास 12 के करीब है, 2 मेल हैं स्टड अच्छे और चैम्पियन है, बाकी फीमेल्स हैं मेरे पास। तो पप्स भी अवेलेबल होते हैं उनके साथ? पप्स होते हैं जी, पप्स होते हैं। लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट? मैं लुधियाना से हूँ जी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7973451853, मेरे कैनल का नाम है मानव अकीता रेंच, आप नाम से समझ ही गए होंगे कि ओनली अकीता लवर है हम। तो गाइस अगर आप किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट अकीता, चाहे अमेरिकन हो जापानीज हो, कब चाहिए स्टड सर्विस, तो हमारे पास एक बहुत ही टॉप क्लास ब्रीड, और इस पर इंपोर्ट पर कितना खर्चा आ गया इसके? सर खर्चा तो देखो वही बात है कि आपने क्वालिटी कैसी लेनी है उस पर डिपेंड करता है, आप जितने अच्छा, वो कहते हैं ना कि जितना चक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, वो चीज़ है जी। अब ये डॉग मेरा सर्बिया से आया है, और सर्बिया में इसने 17 चैंपियन प्रोड्यूस किया है, इसके बच्चे जो हैं ये 4 ईयर ओल्ड है, और इसके 17 बच्चे चैंपियन है जी सर्बिया में, और कुछ बच्चे रशिया में भी गए हुए हैं। तो इस पर इंडिया लाने पर टोटल कितना खर्चा आ गया? सर ये तो देखो वही बात है जी, खर्चा तो होता ही है जी, देखो अच्छी अच्छी चीज़ लेनी है तो वो तो खर्चा हो गई जी।
गाइस लाखों की ब्रीड मेरे साथ सर बताना नहीं चाहते लेकिन बहुत खर्चे वाला चल एग्जिबिटर्स रिंग नंबर 1 थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू तो गाइस थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर हर एज और हर जगह मिले थैंक यू सर बड़े-बड़े लोग भी हमें जानते हैं और आपके यहां सूरज भी कम ही निकलता है हां बिल्कुल सब निकल रहा है बहुत ठंडी है थैंक यू ओके सर ओके Guys, look at German Shepherd quality. इतने लंबे बाल और ऐसे टेक किया जाता है सर नहीं थोड़ा सा आपको इनके ऑनर से सारी बातें कर क्या नाम है सी आपका सुमित हरियाणवी सुमित बब्बर शेर का बिल गेट्स है बिल गेट्स इतने लंबे बालों को संभालना कितना मुश्किल है बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ है जी बट जैसे अपने बच्चों केयर करते हैं उसी तरह करनी पड़ती है खासकर गर्मियों में तो बहुत चैलेंज हाँ, होता है ना बिल्कुल बिल्कुल सर तो फिर आप किस तरह मैनेज करते हो क्या चीज़ें देते हो खान पान में या अभी नहीं नहीं अभी खान पान में बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है विंटर में हाँ इसको फीड ज़्यादा इंपोर्टेड डालते हैं सलमैन ऑयल हो गया आर्डन ग्रेन्स का वो डालते हैं इस पर और उसके बाद जो ओलिव ऑयल होता है हमारा जो घर में भी यूज़ करते हैं वीकली उससे मसाज करते हैं इसकी बॉडी की उससे प्रॉपर साइनिंग हर चीज में काफी लोग की हेल्थ में भी बढ़ती है उससे मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में देखो वेदर तो हमारा यहाँ सूट नहीं करता फिर भी एडजस्टेबल करना पड़ता है एसी वगैरह उसका सारा कुछ डॉग के लिए और उसके बाद फिर फीड का थोड़ा ठंडी चीज़ें दही वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है जो आपने मेंशन किया फिर वो चीज़ें बंद हाँ वो गर्मियों की अलग डाइट है गर्मियों की अलग हाँ जी हाँ जी विंटर की अलग है समर की अलग है तो इसका आपके पास पप्स स्टड सर्विस वगैरह अवेलेबल है हाँ जी हाँ जी लोकेशन अपनी यमुनानगर है जी सुमित लावर डोर लवर करके मेरा फेसबुक पेज भी है ठीक है जी और मोबाइल नंबर 8295035050 इस ब्रीड के अलावा और भी आपके पास हाँ मेरे पास लैबराडोर है काफ़ी नेम है उसका डॉग का सहनसा है फेमस है इंडिया में काफ़ी वो भी हाँ जी क्या एक लैबराडोर की बात हाँ जी हाँ जी इस ब्रीड के बिहेवियर में एक ये कह लो कि गार्ड डॉग है हाँ जी लैबराडोर एक अलग टाइप की ब्रीड है बिल्कुल बिल्कुल तो क्या उससे भी एक्चुअली जो दोनों में कंपैरिजन करें ना जैसे एक आईफोन के मुकाबले तो जर्मन शेफर्ड हो गया ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि मैं इसको खाना डाल रहा ना तो मेरी जो घर में मदर भी आएगी ना तो उसको भी एंट्री नहीं इतना करना देगा अच्छा हाँ उसको भी एंट्री नहीं करना देगा जो पास में चल रहा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है लैबराडोर का थोड़ा बिहेवियर और कुछ है अब जैसे आपके साथ है बिल्कुल सेंसिटिव है मेरे साथ घूम रहा कोई मर्जी इसको बॉडी पे हाथ लगाओ कुछ नहीं कहेगा जब ये अपने रूम में चले जाएगा या कैनल में है वहाँ सेटअप होगा तो कोई भी एंट्री करेगा तो बिल्कुल गार्ड करेगा अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है बिल्कुल जी बिल्कुल थैंक यू कितना बड़ा नमस्कार सर नमस्कार क्या नाम है आपका मोहित मंडाण और इस क्वालिटी इसका क्या नाम है चैंपियन नाम है सर चैंपियन हाँ जी अच्छा नाम ही चैंपियन रख दिया जी क्या बॉडी वेट है इसका बॉडी वेट होगा कोई 60+ हाँ मैं देख रहा हूँ कितना रिंकल वाला फेस हो वाओ बताइए लेब्रे के ये कौन सी ब्लड लाइन या ऐसा ये चाइना से इम्पोर्ट इसका फादर है रहीस उसका ये सन है प्रीति बोझ कैनल के नाम से अपना फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आईडी है और पास लेब्रा या और भी ब्रीड्स ओनली लैब्राडोर लेब्रा सिक्स स्टड है लैब्राडोर के ब्रीड ओनली लैब्राडोर तो आजकल आप स्टड सर्विस तो आपने बोल ही दिया लेकिन पप्स भी अवेलेबल है हाँ पप भी अवेलेबल है इसके पप अवेलेबल है इस टाइम क्या प्राइस रखा है प्राइस अपना 25 का मेल और 20 की फीमेल विद केसीआई 25 का मेल हाँ जी इसके बच्चे रीजनेबल प्राइस है सर ओनली रीजनेबल प्राइस तो एक बार अपनी लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज लोकेशन अपनी इंद्री करनाल हरियाणा कॉन्टैक्ट नंबर 9729845444 थैंक यू तो गाइज हम यहाँ डॉग शो में है ना डॉग ने ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो भी काफ़ी डॉग को देखना पसंद है ये इसका नाम बताइए जी परीक्षित तो आपका रीति आप अक्सर डॉग शो देखने आते हो यहाँ पे ओके
ओके, और आपका कोई डॉग है आपके घर में? शिरजू, जो सबसे ब्लैकमेल वाला कराने वाला डॉग होता है, जो अपनी बातें हर एक से मनवा लेता है ना। ओके, आप बहुत क्यूट हो। ये देखिए इंग्लिश मास्टिफ, जो एक समय लाखों वाली ब्रीड हुआ करती थी, आजकल देखते हैं इनका क्या प्राइस चल रहा है और इसको साम संभाल में कोई दिक्कत है इंडिया में। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका जी? अमित गुदारा। क्या नाम? अमित गुदारा। अमित गुदारा जी, और बताइए थोड़ा इस नटकट के बारे में। सर ये नटकट बहुत प्यारी है और इससे कोई नोटिकी नहीं करती है सर। हाँ, फूड इज नॉर्मल बिल्कुल, और जैसे कि देखा जाता है कि पपी जो बहुत कम होते जा रहे हैं अभी, ये अमित का जो प्राइस चल रखा है वो करीबन 60-70,000 के आसपास चल रहा है। बहुत फ्रैंकली सर पप्पी है और ये अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा लगाव करती है। तो बहुत बढ़िया बात है, छोटे घर में बड़े आराम से रह लेते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। कोई स्किन की प्रॉब्लम कुछ इशू आते हैं? नहीं ना, ग्रूमिंग का इतना वो है, बिल्कुल धीरे से थोड़ा सा कपड़ा लगा दो तभी भी उसके बाल जो वगैरह बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप कहाँ से हो? मैं द्वारका से हूँ सर। द्वारका से आए हो ना, तो आपके पास और भी हैं या यही? सर मेरे पास अभी दो हैं, दो फीमेल एक मेल है। तो आपके पास स्टड सर्विस पपीज भी अवेलेबल है ना? कोई कांटेक्ट नंबर सर? 9711242401। और घर में होम ब्रीडिंग है और लोकेशन है द्वारका। फीमेल चैंपियन सर। और गाइस क्या प्राइस बताया आपने? 60-70,000 विद केसीआई पेपर। विद केसीआई पेपर। तो गाइस ये इंग्लिश डिस्काउंट दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंग्लिश सर। गाइस इंग्लिश बुलडॉग 60-70,000 में सबके पास अवेलेबल है। थैंक यू जी। क्या नाम है इसका सर? इसका नाम है रॉक्सी सर। रॉक्सी, अगर चॉकलेट कलर में लेब्रा हो? हाँ जी। महंगा होता है ना नॉर्मल? हाँ जी, थोड़े कॉस्टली होता है। कितना फर्क होता है फिर भी आइडिया? ज़्यादा नहीं, 5-7 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता ही है जी। मतलब अगर ब्रीड पर डिपेंड करता है, कितना नहीं ब्रीड है, चैंपियन क्लास के किदा क्वालिटी क्यों कैसे? क्वालिटी पर डिपेंड करता है जी। अच्छा, लेब्रे के जिसको कहा जाता है कि बॉक्स फेस, लंबे कान, वो ज़्यादा है और ये रॉक्सी लुक, आपको किस, आप किसको बेस्ट मानते हैं आपके हिसाब से? क्या ये ज़्यादा बेस्ट है सर? इसकी क्या एज है सर रॉक्सी की? ये 3 साल दी सर। कभी पॉप्स लिए हैं वगैरह इसके? नहीं अभी लेने हैं सर। अभी लेने हैं। चैंपियन होने के बाद? हाँ चैंपियन होने के बाद जी। वो क्यों? सीसी के लिए खेलेगी, चैंपियन होकर ज़्यादा रेट बढ़ जाता है बच्चों का। हाँ ये दुकान है, ये जरूर है। तो अभी आपके पास और भी कोई लैब कलर में है? हाँ जी। कौन से कलर में है? गोल्डन कलर में है सर। गोल्डन में मेल है वो। अपना कोई कैनल, कोई डॉग फार्म? हाँ जी, कुमान कैनल खन्ना से, खन्ना पंजाब। तो आपके पास पप्स वगैरह हैं और स्टड्स? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन सर? खन्ना सिटी जी पंजाब, 9888-77469 जी। और आपके पास कौन कौन सी ब्रीड होती है? हमारे पास ज़्यादा लैबी है जी। हाँ जी। पप्स का रेट पप्स अवेलेबल है अभी आपके पास? नहीं अभी नहीं पप्स अवेलेबल, अभी लीटर होने वाले हैं। हाँ जी। अप्रॉक्सीमेटली क्या रेट चल रहा है? अभी 25-30 हज़ार रुपये दे देते बच्चा। हाँ जी हाँ जी। लैब चॉकलेट कलर। वाह गाइस, मुझे को लगा जैसे किंग कोर्स है लेकिन ये लैब कितना बढ़िया है। क्या नाम है इसका? ड्रैगन। हाँ ड्रैगन। ड्रैगन क्या एज है इसकी? 2 साल। गाइस क्वालिटी। खाने में क्या खा देते हो, डॉग फीड या घर का खाना? डॉग फूड। डॉग फूड। तो अभी क्या बॉडी वेट है इसका? इसका बॉडी वेट 50 के आसपास। बहुत बढ़िया। कहाँ से आओ आप? ये बाहर नहीं आता ना इतना, इसलिए यहाँ आके जब पहली बार आया है। हाँ देख रहा हूँ मैं। आप जो स्पिरिचुअली बिलीव करते हो ना, जो मैंने अभी देखा पीछे, दैट्स अ गुड थिंग। वो हाजर नाजर हो ना भगवान, चाहे आप किसी भी धर्म से कुछ भी हो, उसकी जो हाजर नाजरी में आप ध्यान लगा को काम करते हो वहाँ सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलती है, उसी का साथ है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या जीता? ग्रुप फर्स्ट। कांग्रेचुलेशन। तो गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये कब से ही हमारी वेट कर रहे थे। तो मैंने इसके हाथ में शिरजू देखा हुआ। ये क्या एज है और क्या नाम है इसका? ये 2 ईयर्स का है सर, शिरजू स्टड है। अच्छा स्टड। हाँ जी, करनाल में।
एक मेरे को ये बताना सर, शिरजू के संभालने में जैसे आप इसके बालों के ऊपर पूरी चोटी कर रखी है क्योंकि आंखों को ना जाए बाल, फिर इनका जो हाइजेनिक पार्ट होता है पीछे से प्राइवेट पार्ट को साफ करना, कितना टफ चैलेंज है शिरजू को रखना? देखो डेली ग्रूमिंग तो करनी पड़ती है इसकी एक बार, कम से कम एक बार तो कॉम्ब वगैरह निकालनी पड़ती है, टाइम टू टाइम बालों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, शैम्पू और अलग अलग टाइप के महंगे महंगे कंडीशनर वगैरह यूज करने होते हैं। अच्छा, हाँ जी, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो मेंटेन आपको करना, हाँ जी मेंटेन तो करना पड़ेगा, गर्मियों में एसी में रखना पड़ेगा आपको और सर्दियों में ठंड से बचा के तो रखना ही है। मेहनत वाला काम वाली ब्रीड है, हाँ जी, स्टड के लिए है यहाँ पे। अगर किसी को स्टड सर्विस की जरूरत हो करनाल में तो मोबाइल नंबर है 9896584770। कहाँ से है सर आप? सर करनाल से ही है, यूनिक पेट शॉप। यूनिक पेट शॉप, यूनिक पेट शॉप। सर लगभग डॉग का सारा सामान आपके पास? सारा सामान मिलता है जी सर। और कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ ऑफर चल रहा है आजकल? डिस्काउंट तो चलता रहता है सर, अलग अलग फील्ड पे अलग अलग डिस्काउंट आता रहता है, किसी पे 20% 25% ऐसे चलता रहता है। लोकेशन कहाँ बताइए आपने? मेरी है सर करनाल जर्नैली कॉलोनी अरविंद हॉस्पिटल के साथ। थैंक यू। ओके सर। चांद भाई अगर अगर आपको रखना है तो आप रख लो अपने पास में, बोला ना भाई वो अभी ले लो।